चाहे कुछ भी हो, मैं ऐसा ही छोड़ने वाला नहीं। अब मेरे को तो 83 इयर्स चल रहे, इतना जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। जब तक मोदी को नहीं हटाएंगे तब तक मैं जिंदा ही रहूंगा। मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि 400 के 400 फीट नहीं, 400 फीट के अंदर नरेंद्र मोदी को उतार दिया जाए। मोदी को खत्म करने की बात करो, अगर मोदी खत्म हो गया तो हिंदुस्तान बच जाएगा, अगर मोदी रहा संविधान यदि बचाना है तो मोदी की हत्या करने के लिए तत्पर रहो। मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा है, 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना दे, चोटी काट देंगे, छुट्टी छुट्टी। নরেন্দ্র মোদী যখন বাংলা এসে বলে মমতা চিত্রল তোলাভাজ, তখন শুনলে আমার মনে হয় দীক্ষাসী একটা ভালো করে গণতন্ত্রের থাকবো। देखिए टिकैत साहब की जो जो मैसेज है बढ़िया करे भाई, खावे मोदी का फेक पड़वाओ चक्कू तक। कनेडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को? ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी कहा है इंदिरा ठोकती मोदी की छाती में। बिल्कुल बिल्कुल, उनका जो 56 इंच का जो पिछवाड़ा है ना, उसमें सुरंग बनाएंगे ड्रिल करके, बांस घुसा के सुरंग बनाएंगे और दिल्ली तक जाएंगे, किसी के बाप का नहीं रोक पाएगा। इस टाइम हमारा सांसद शेर की तरह लोकसभा में दहाड़ेगा ना, मोदी छुल छुल जो करके मुटेगा। आणि शेवटी त्या औरंगजेबाला आम्ही या महाराष्ट्रात गाडून त्याची कबर खणलेली आहे, तेव्हा नरेंद्र मोदी तू कोण है? ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा, हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। मोदी जी का सामना पाकिस्तान से हुआ, मोदी जी पाकिस्तान की बिरयानी खा के आ गए। भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, भारत के दुश्मनों का तरफदार तू ही है, सच पूछ तो फांसी का हकदार भी तू ही है। रावण रूपी नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक अंत करेंगे, रावण रूपी नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक अंत करेंगे।